बलवाड़ा से। बड़वा तहसील के ग्राम बलवाड़ा में महेश्वर विधानसभा के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो द्वारा गांव-गांव में सार्वजनिक बर्तनों का वितरण का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम ग्राम पंचायत उमरिया से की गई। तत्पश्चात बलवाड़ा, झिगड़ी, बिलाली, चंदनपुरा, पिपलौद, भोगासा आदि स्थानों में किए गए तकरीबन 10 लाख की लागत से बर्तन सामग्री लाई गई। प्रत्येक गाँव में समितियां बनाकर लगभग 20 से 25 बड़े बर्तन, शादियों जैसे कार्यक्रम में उपयोगी वाले बर्तन दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान मैडम साधु ने भाजपा सरकार को कोसते हुए बेईमानी से बनाई हुई सरकार बताया, जिसका जवाब उपचुनाव के परिणाम 10 तारीख को जनता द्वारा देने की बात भी कही। ग्राम पंचायत झिगड़ी में 13 लाख की लागत से बनी मिडिल स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के पश्चात बलवाड़ा में कांग्रेस नेता प्रदीप सोनी के बड़े भाई रमेश सोनी के आकस्मिक निधन होने पर उनके घर बैठकर शोक संवेदना व्यक्त की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमराज सिंह चौहान, सबल पटेल, बलराम पटेल, सुरेंद्र पटेल, मनोहर पटेल, ज्ञान सिंह नायक, भाई राम भगत, बंटी चौरसिया, अमर पटेल, करण कल्लू दरबार, नारायण भाई मुकेश, भाई विष्णु गुर्जर, संतोष पटेल, किशन जिराती सहित आदि कांग्रेस नेता उपस्थित थे। कहा था कि सरकार बनते ही मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा और गरीबों को 5,500 रुपए के खाते में आएंगे। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कमला जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 4-5 जो मुख्य फाइलों पर दस्तखत किए, तो सबसे पहले तो किसान कर्जा माफी की, दूसरी बिजली के बिल आदि करने की, कोई नहीं कहा बिजली के बिल आदि, और गरीबों के यहाँ जो बिजली जल्दी थी जिनके 2-3 हजार बिल आते थे उनके 100 रुपए कर दिए थे, करते हुए कि घर के लिए, और गरीब बच्चों की शादी की 28,000 देते थे उसको बढ़ा के 51,000 किए थे, और जो पेंशनें मिलती है चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे विकलांग हो, चाहे युवा पेंशन हो, उसको 300 से 600 दी थी। हजार करने आ रहे थे पर शिवाय मामा तो खिलाना पर खाली करके गए थे, तो 300 से 600 की वो भी 1,000 होने वाली थी। उसके बाद जब कैबिनेट की पहले मीटिंग हुई मंत्रिमंडल की, जिस कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को सिर पे बिठा के मान सम्मान दिया था, पार्टी अपनी मां होती है, और कोई भी आदमी अगर बढ़ता है आगे जाता है तो पार्टी उसको पहचान दिखाती है। कांग्रेस पार्टी मेरे को आगे नहीं लाए, जब तक मतदाता या कार्यकर्ता मेरे को ऊपर नहीं उठाए, जब तक मेरी हैसियत क्या है, कुछ नहीं। जिस पार्टी ने, जिस मां ने आपको पहचान दिलाई, उस मां की पीठ पर अगर आप छुआ ढोकोगे तो जनता माफ थोड़ी करती है। गद्दार अगर गद्दारी अपनी मां के साथ करी तो जनता माफ नहीं करती है। समुदाय में भी आर्यन समाज भी है, दूसरे भी कुछ छोटी गाते हैं तो उनको भी देना है, तो फिर मैंने पूरे 151 अपने विधानसभा में सरकार की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से 151 सीट आए थे। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, बाकी के लोग तो चलाएंगे, तुम्हारी दरबार बलवाड़ा थरवर के लोग चलाएंगे, तो क्या करना अपने। फिर मैंने अपने विधायक निधि से बर्तन जहां सरकार नहीं दे सकती थी वहां विधायक निधि से मैंने बर्तन दिए, जिसमें अपना ये सामान्य क्षेत्र ये भी इसमें आ गया। खबर भारत वर्ष के लिए बलवाड़ा से मिथुन यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।